बंधु ऐसे सखी का आइडिया बुरा नहीं है, यू शुड गिव इट अ ट्राई। घर और जॉब दोनों कैसे संभालूंगी? अरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। और तुम्हें तो कहती थी ना कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मैं जॉब के बारे में सोचूंगी। अब हो गए बच्चे बड़े, और कितने बड़े होने वाले हैं? हेलो सॉरी 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 लगता है जॉब करने का मूड नहीं है तुम्हारा, सखी की बहन पाखी को दुनिया में लाने का मूड है। मैंने मजाक में बोला था राज। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? इस उम्र में बच्चे का सोच के डर लगता है। सॉरी 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 बंधु। आर यू फाइन? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है राज। आर यू श्योर? आई थिंक सो। व्हाट डू यू मीन आई थिंक सो? आई होप सो। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह बातें करके कंफ्यूज कर रही हो मुझे। जी मैं खुद कंफ्यूज हूँ राज। तो सुबह से अजीब सी डकार पे डकार आए जा रही है और क्या और आई मिस माय मंथली साइकिल। क्या कैसे कब? हम जब रिजॉर्ट में थे याद है, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बच्चे हर्षद भाई के रूम में सोने के लिए गए थे और उस दिन आप रोमांटिक गाना गा रहे थे वंदुरानी और यही रोमांटिक गाना गाते गाते भगवान। अच्छा तो इसका नतीजा हर्षद भाई का आ रहा है भतीजा या भतीजी? राज हाँ? कुछ सामान लेकर आना है, सब्जियां, आलू टमाटर प्याज गाजर खीरा मटर और प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट? ओके प्लीज टेक केयर। हे भगवान घर तक सुरक्षित पहुंचा दो, कोई मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट ना देख ले, आई मीन वंदु की। सर एक मिनट एक मिनट। प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। आप जल्दी आ गए आज? हाँ हाँ ये लीजिए सर। क्या? अरे सर की मजाक कर रहे, आलू प्याज है सर। तो क्या सब्जी बनाऊं यार? अरे सर वो अपने सेकंड फ्लोर पे मम्मी पापा को दे दीजिएगा, वो रहने वाला देख के गया था बोला दे देना, अब मैं जरा काम में। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। राजेश भाई आ रहे या जा रहे? भूल गए ना बटन दबाना? थैंक यू। वाह 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 राजेश भैया, आप घर का भी कितना काम करते हो और एक मेरे हर्षद है बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। और एक है मेरा दक जो सुबह शाम करता है, जो सुबह जो सुबह शाम करता है मेरी पूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा। हे भगवान ये लीजिए। इसीलिए ना हम लेडीज हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी करती हैं। एक मिनट एक मिनट। राजेश भैया आपके पैर के नीचे पैर हटाइए। बताना मत किसी। किसी को नहीं बताएंगे।
पॉजिटिव। बंधु, ए बंधु, बंधु, क्या ये सच है कि तू फिर से मां बनने वाली है? ये अरे यामिनी और ज्योति सबको बता रही है, उन्होंने बताया। मम्मा, ये सच है? हाँ हाँ सच है। तभी तूने उस दिन पपीते का फ्रूट सैलड नहीं खाया ना? बहुत अच्छा किया, पपीता ना बहुत गर्म होता है प्रेगनेंसी के लिए, अच्छा हुआ नहीं खाया तूने। मम्मी एक मिनट, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अरे मेरे लिए कंफर्म है। हाँ तुम्हारे पापा को जाके बताती हूँ कि घर में छोटा अथर्व आने वाला है या फिर छोटी सखी आने वाली है। हो सकता है दोनों आ जाए। भगवान रे, ओ मम्मी, मिस्टर वागले, मैंने चेकअप कर लिया है, आप मां नहीं बन रही। ओके ओके। लेकिन डॉक्टर, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जो सेकंड फेंट लाइन आई थी, वो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो। मैं आपको एक ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, लेकिन ये टेस्ट एक हफ्ते के बाद होगा। ठीक। मिस्टर वागले जी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है क्या? आई मीन यू डोंट वांट इट एंड इट जस्ट हैपेंड। मैं दवाई लिख के दे रही हूँ, अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है लेकिन 24 घंटे के अंदर। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। कम, ये लड़की बिना ब्रेकफास्ट करना ही भूल जाती है। बट गुनगुन, दिस इज जस्ट सुसाइडल यार। आई मीन नॉट इन अ लिटरल वे, बट इस एज में बच्चा, करियर ना सही पर मम्मा के हेल्थ पे क्या असर होगा? अरे सिर्फ पैदा नहीं करना है, बड़ा भी करना है, मम्मा की सारी लाइफ निकल जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको खुद के साथ ये इंजस्टिस करने से कैसे रोकूं? मैं कैसे समझाऊं कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और ये लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, अपनी मर्जी से जीने का टाइम है। गुनगुन, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अरे कमरा साफ कर दो वहीं। नहीं, बाद में। क्या मैं फिर से माँ बनने के लिए सचमुच में तैयार हूँ? बच्चा पालना इतना आसान नहीं है, बच्चे की देखभाल, खर्चे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ भगवान? नहीं आ रही है राज, सोच रही हूँ कि जो किया वो सही किया या गलत। बिल्कुल सही किया तुमने, ओके? चिंता मत करो, बिल्कुल सही किया, सो जाओ। सखी तो सीधी बच्ची थी पर अथर्व कितने छोटे से कितना शरारती था वो, और बड़े होते होते और शरारती हो गया। लेकिन अब उससे छोटा बच्चा आएगा ना घर में, तो अथर्व अपनी सारी शरारतें भूल जाएगा। क्या? Be careful, be careful। छोटा छोटा बेबी आएगा, मतलब तुमने पिल्स नहीं ली? Thank God! वो तुम्हारी बातों से ऐसे लगा कि तुमने पिल्स ले ली, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं पूछा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने पिल्स मुंह में डाल ली थी। हाँ। फिर मुझे लगा कि अथर्व के आने के बाद हमने सखी को भी तो संभाला ना, then why can't we give this baby a chance? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो मुझे बच्चा रखना है। Are you sure? 100%, क्योंकि माँ बनना मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। रे जय हो रिजॉर्ट की। अरे मम्मी पापा, इतनी सुबह सुबह? अरे बंधु का ब्लड टेस्ट है ना, तो
आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और मैं बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा। अच्छा सुनो, बंदों को बता देना कि मिस्टर और मिसेस सीनियर वागले आए हैं, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आ गए राधिका, लेकिन वो ब्लड टेस्ट करने वाला नहीं आया। वो आ रहा है। हाँ। राज, उसको मना कर दो। क्यों? Because I just got my periods. कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। माँ, सच कहूँ ना तो जब पहली बार लगा ना कि फिर से माँ बनने वाली हो, तो सच को तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जब आपका बाकी सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा, सपोर्ट देखा, तो ठान ली कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हूं ना तो इस बच्चे को जन्म दूंगी। चुप कर बेटा, मत रो, मत रो। तेरे पास तो ऑलरेडी दो सुंदर और स्वस्थ बच्चे हैं, ईश्वर ने वो तीसरा तेरे बजाय किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया होगा, जिसको शायद तुझसे भी ज्यादा जरूरत पड़ी होगी। नहीं? पापा की बात सुन के ना अपने दोनों सुंदर स्वस्थ बच्चों को देखने का मन कर रहा है। सुपर हीरो क्यों बनना है? सुपर हीरो बाय द वे, होमवर्क से बचने के लिए। नो डैडी, सिर्फ होमवर्क से बचने के लिए नहीं, होमवर्क के लिए, मम्मी की चिक चिक से बचने के लिए, 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस से बचने के लिए, मोटे ग्लासेस वाले चश्मे लगाने से बचने के लिए, एक बंद कमरे में बैठे रहने से बचने के लिए, और सुपर हीरो की तरह एक बड़ा काम करने के लिए। एक मिनट, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बालक गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद तुम्हारा ये हाल है। मेरी तरह जीरो फैसिलिटीज के साथ पढ़ाई की होती ना तो पता चल रहा हड्डी दाल का भाव। मींस के तुम्हारे पास लैपटॉप है, हाई स्पीड इंटरनेट है, मोबाइल है, इस मुश्किल घड़ी में मतलब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस लेने वाली टीचर्स है। एग्जैक्टली। उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं, कद्र। कद्र नहीं है तुम्हें इस प्रिविलेज के। अगर मुझे तुम्हारी जितनी फैसिलिटीज मिलती ना तो मैं किसी कुरियर कंपनी का मैनेजर नहीं बनता, मल्टीनेशनल फर्म में जनरल मैनेजर होता। जनरल मैनेजर। वाओ, व्हाट अ रॉन्ग कंक्लूजन। व्हाट? यस डैडी, आपके हिसाब से आपकी तरह स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला हायर पोस्ट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके स्कूल में मेरे स्कूल जितने फैसिलिटीज थे ही नहीं, राइट? वो कोई आंसर नहीं मिल रहा ना डैडी, तो रहने दो। अब आप मेरा कंक्लूजन सुनो। मेरे हिसाब से आपके बचपन में मस्ती थी, फन था, और जब मस्ती होती है ना तो पढ़ाई भी और अच्छे से होती है। लेकिन जब लाइफ में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई हो ना तो फिर लाइफ बहुत बोरिंग बन जाती है, तो फिर ना आप ठीक से मस्ती कर पाते हो ना आप ठीक से पढ़ाई कर पाते हो। अरे किसने रोका तुझे मस्ती करने से? तू अपना होमवर्क पूरा कर, उसके बाद करना जितनी मस्ती करनी है। मम्मी मैं कैसे करूं मस्ती? आप बताओ, एक ही घंटे की 5 ऑनलाइन क्लासेस करता हूं, फिर उसके बाद उसका होमवर्क भी करता हूं, और इतना कुछ करने के बाद मेरे में कैसे एनर्जी रहेगी मस्ती करने के लिए? मैं कैसे करूँ मस्ती? ये पढ़ाई की वजह से ना मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है। मी टाइम? हाँ, अगर मम्मी का मी टाइम हो सकता है तो फिर मेरा क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मेरा भी कोई मी टाइम नहीं है, मेरे पास भी सुबह दोपहर शाम रात काम ही काम है। सुबह उठते काम शुरू हो जाता है, फिर ऑफिस भागता हूँ, वहां पर एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काम की वजह से सांस लेना ना भूल जाऊं मैं। डैडी आप फिर से एग्जैजरेट कर रहे हो। नहीं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जितना काम करते हो ना उससे कई गुना ज्यादा काम मैं करता हूँ। अच्छा? हाँ। तो लिस्ट बनाओ। हाँ? कल आप जो भी काम करोगे
उसकी लिस्ट आप बनाओगे और कल जो भी काम मैं करूंगा उसकी लिस्ट मैं बनाऊंगा। फिर रात 8 बजे कंपैरिजन होगा कि किसने सबसे ज्यादा काम किया। ओके? चैलेंज दे रहा? यस डैडी। और जिसने कम काम किया उसको कान पकड़ के 100 उठक बैठक करने होंगे। अरे यार, जब भी चैलेंज देता ना यार कान पकड़ के उठक बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं, इस बार ना अलग होगा। इस बार जो हारेगा ना उसे सबके सामने नाक से जमीन पे लकीर खींचेगा। जमीन पे नाक से लकीरे? वो कैसे खींचते? रुक रुक, दिखाता हूँ मैं। क्या बाप बेटे फिर से शुरू? अरे एक मिनट, अच्छी तरह से देख ले कैसे करते, क्योंकि तू हारने वाला। अरे मजे छोड़ो, ये देखो। डैडी, मुझे पहले से पता था कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि इस टाइम मैं नहीं आप हारोगे। अथर्वा, ये क्या भेजा है तुमने मुझे मेल पे? मिस होमवर्क। बट ये तो सिर्फ कल का होमवर्क है, उसके पहले का होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? सॉरी मिस। सॉरी नहीं, मुझे तुम्हारा कंप्लीट होमवर्क चाहिए, पूरे वीक का। देखो, जब मैं रोज फिजिकली स्कूल आया करता था तो मैं मोस्टली मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आता था ना। बट अब मैं बोर हो गया हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो गया हूँ, मैं होमवर्क से बोर हो गया हूँ, मैं स्कूल जाना मिस करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को मिस करता हूँ, इसलिए मैं मेरे काम पे फोकस नहीं कर पाता। मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरे काम का आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे हर वक्त काम का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस? इस एज में? यस मिस। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मेरे एज के बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है। जब मैं मेरे मम्मी डैडी को बोलता हूँ ना तो उनको लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं मेहनत करने से डरता हूँ। मेरी मम्मा मुझे होमवर्क कराने के लिए पूरा दिन मुझसे लड़ती रहती है। वो बोलती है कि अगर तूने होमवर्क नहीं फिनिश किया ना मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। तो मैं ना ठीक से खेल पाता हूँ, मैं ना ठीक से पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान खेलने में लगा रहता है। मुझे लगता है कि मैं अब फंसा हूँ, पढ़ रहा हूँ और वहाँ मेरा फ्रेंड विद्युत खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। मिस, अभी आप ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे समझाऊँ? मैं बात करूंगी उनसे, यू डोंट वरी। थैंक यू मिस। मैं उन्हें तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगी। एंड सॉरी बेटा, इवन मैं भी तुम्हारी बात नहीं समझ रही थी। वन मोर थिंग, तुम अपनी लिस्ट में आज का होमवर्क कंप्लीट करने का पॉइंट ऐड कर सकते हो। Really? Yes. Thanks, miss. Thanks a lot. Yes. ये की बाती बनाई। जितने मैंने काम एक दिन में किए ना, इतने काम मैंने महीने में ना किए होंगे। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। बेटा अथर्व, जितने काम मैं करता हूँ ना, उतने काम करने की तू सोच भी नहीं सकता। तेरा जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखो, ये राजू के टोटल काम है 12, अथर्व के भी 12। What? Means tie? हाँ। नहीं नहीं, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी। ये देखो, राजू का एक और काम है, इसको लेके 12 + 1 = 13। चीटिंग? चीटिंग नहीं, लिखा है राजू जीत गया। ये! हाँ? क्या हुआ? क्या? एक प्रणाम अन्ना भाभी। अथर्वा, तो ये तय हो चुका है कि मैं तुमसे ज्यादा काम करता हूँ। यस, मैं जीत गया हूँ। तो नाक से लकीर खींचो, चलो चलो, वो आगे की बात बाद में। चलो, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं करने की।
बट व्हाई डैडी, आपने मुझे क्यों रोका? क्योंकि एक बार तुमने मुझे और बंधु को रोका था। स्टॉप इट, प्लीज मत करो ये पनिशमेंट, प्लीज। अथर्व की क्लास टीचर का वीडियो कॉल है। बंधा, हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा। हाँ हाँ सॉरी। इट्स ओके मिस्टर वागले, मैंने आज आपसे और मिसेस वागले से एक बहुत जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है। हाँ जी मैडम, बोलिए। वंदना भी है यहाँ। एक्चुअली आज ऑनलाइन क्लास में अथर्वा से मेरी बात हुई। सॉरी मासी। आई होप यू विल बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स अथर्वा फ्रॉम नाउ ऑन। यस यस मैडम, विल टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। अथर्वा, अथर्वा बेटा, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, जाओ लॉगिन करो। नो मम्मी, मेरा भी क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है मतलब? बाकी बच्चे भी तो हैं ना क्लास में, लेट हो रहा है, चलो। नो मम्मी, मैं नहीं करूंगा, आप और डैडी जाके लॉगिन करो। अथर्वा। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो छोड़ो, इज्जत कर रहा है ना, तो हम दोनों लॉग इन करते हैं, बाद में क्लास तो इसी को अटेंड करनी है ना। चलो चलो अथर्वा, कम ऑन। चल जल्दी चल। आप क्यों रोके, आप भी जाओ ना। वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस वागले, वेलकम। हाँ हेलो हेलो मिस रजनीगंधा। रजनीनंदा। I'm sorry, रजनीनंदा जी, ये क्या है? ये आपको आपका बेटा बताएगा। डैडी, मैंने बोला था ना मुझे सुपरहीरो जैसा कोई काम करना है, इसलिए मैंने रजनी मिस से बात की। मिस, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत थोड़ी कम हो सकती है। ओह ग्रेट, प्लीज टेल मी। मिस, मेरा आइडिया ये है कि अगर हमारी रोज की 5 ऑनलाइन क्लासेस में से एक सिर्फ मस्ती और गेम्स की हो ना, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स चाहे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सके, तो मिस हम बच्चों को बहुत मजा आएगा। वाओ नाइस आइडिया। थैंक यू मिस। मिस आई नो कि ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट आई एम श्योर कि इससे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बोरियत को दूर करने में थोड़ी सी हेल्प जरूर होगी। थोड़ी नहीं बेटा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यस मिस्टर वागले, हम एज एन एक्सपेरिमेंट अथर्वा का ये आइडिया अपने स्कूल के सारे ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई करके देख रहे हैं। होपफुली ये आइडिया वर्क करेगा। आई एम 100% श्योर ये आइडिया जरूर वर्क करेगा। ग्रेट, कम ऑन नाउ लेट्स प्ले। सखी बेटा तुम भी आ जाओ। यस मिस। अब मैं गेम के रूल्स बताती हूँ। हाँ जी। देखिए अपने हाथ है, सखी मेरे भाई अन्ना को एक दिन में कुरियर मिल जाएगा ना? देख अगर मेरे भाई अन्ना को राखी का कुरियर नहीं मिला ना, तो वो समझेगा कि जीजा जी के साथ बहन ने भी रिश्ता तोड़ दिया। या बालू 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 लगा रखा है, 60 साल का खूसट बुड्ढा हो गया है तुम्हारा भाई। अभिमानी अहंकारी, क्या कहा था राजू की शादी के समय, महाराष्ट्र में लड़कियों की अकाल पड़ गई है, इसीलिए तुम्हारा बेटा बिहार से बहू ला रहा है। 1 साल नहीं टिकेगी उसकी शादी, याद है? अरे आपको तो पता है ना उसकी व्यंग करने की आदत। अरे बाबा शांत हो जाओ, अब चुप करो ना, कितने साल वही 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 बात करोगे। हाँ ठीक है, शांत हो गया, बैठ। अब होगा खेल, अन्ना और पप्पा के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कल मैं इस नए नंबर से पप्पा को अन्ना बनकर फोन करूंगा। लेकिन डैडी,
दादाजी को यकीन हो जाएगा कि आप अन्ना हो? हो जाएगा। हाँ, और फिर इतने सालों से दोनों में बात नहीं हुई है तो आवाज में थोड़ा 19-20 चलेगा। मतलब आप उसी सेम नंबर से अपने मामा अन्ना गोखले को कॉल करोगे दादाजी बनकर? यस। अन्ना को लगेगा कि पापा ने माफी मांग ली, पापा को लगेगा अन्ना ने माफी मांग ली। लेकिन डैडी, जब दोनों मिलेंगे तब? तब की तब देखेंगे ना सखी। लेकिन इस साल ना माँ को उनके भाई से मिलवा कर ही रहेंगे। डैडी, ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है ना? आई मीन इट्स अ वे ऑफ चीटिंग, राइट? यस इट इज, लेकिन फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर आइडिया कहाँ है? और किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ ना बेटा, झूठ नहीं होता है। इज दैट सो? यस। वो मेरा और एक प्रॉब्लम है। क्या? रक्षाबंधन वाले दिन मेरे सातों के सातों मामा अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाते हैं और मिलकर इतना नॉइस पोल्यूशन मचाते कि पूछ मत। ब्रो, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो रक्षाबंधन वाले दिन मेरे घर पर ना आए ना, आई विल बी द हैप्पीएस्ट बॉय ऑन दिस अर्थ। कोई ऐसा आइडिया बता जो मेरे घर पर वो ना आए और मेरे घर का हाल खराब ना हो। प्लीज कुछ बताना। हेलो जीता जी, मैं बोल रहा हूँ। कौन? बाळकृष्ण गोखले, आपका प्यारा अन्ना। मुझे पता है अभी मैं आपका प्यारा नहीं रहा, लेकिन वो भी तो दिन थे ना जब सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे आप मुझे। हम दोनों में आई इस दूरी की वजह मैं हूँ जीजा जी, मात्र मैं, ये बाळकृष्ण अहंकारी गोखले। अहंकारी कसला, अत्याचारी? अत्याचारी भी नहीं, गधाड़िया हूँ मैं जीजा जी। लेकिन सच कहता हूँ, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ जीजा जी, मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी, मुझे क्षमा कीजिए जीजा जी। मैं रक्षाबंधन के दिन वहाँ मुंबई आना चाहता हूँ, आपसे गले मिलके क्षमा मांगना चाहता हूँ। ना मत कहिएगा जीजा जी, कहिए आजा अन्ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए आजा अन्ना, आजा अन्ना, आजा अन्ना। चीजा जी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना आनंदी हूँ आपके मुंह से वो अन्ना सुन के। लेकिन चीजा जी, मेरी एक विनती है, मेरा फोन आया था, मैं वहाँ मुंबई आ रहा हूँ, ये आप किसी को बोलना मत। वो क्या है वो मैं देना चाहता हूँ अंग्रेजी में, वो क्या कहते हैं, सरप्राइज, सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए आप किसी को बोलना मत। मैं नहीं कहूँगा भाई। हाँ जीजा जी, फिर एक बार कहिए ना, आजा अन्ना, आजा अन्ना, आजा। इतनी सी तो बात थी, इतना ही तो कहना था अन्ना को, और इतना ही तो सुनना चाहते थे पापा। लेकिन ईगो, चलो अब पापा की आवाज में करता हूं अन्ना को फोन और बुलाता हूं अन्ना को मुंबई। अब जो होगा देखा जाएगा, जब श्रीनिवास वागड़े के सामने होंगे अन्ना गोखले। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.